सच्ची लाइफ देख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के खिलाफ राजद का लगातार हमला जारी है। दरअसल बिहार में आगामी 13 मई को हिंदू धर्म गुरु के रूप में पहचान बना चुके बाबा बागेश्वर का आगमन होने वाला है, लेकिन उनके आगमन को लेकर बिहार की सियासत काफी गर्म हो चुकी है। आपको बता दें कि राजद की तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन का जोरदार विरोध किया जा रहा है। वहीं अब पार्टी की तरफ से सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और सरकार के मंत्री के तरफ से हर रोज नया दावा किया जा रहा है। अब बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर बिहार आकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेंगे तो हम लोग उनका जोरदार तरीके से विरोध करेंगे और इसको लेकर हमारी सेना ने तैयारी कर ली है। अब देखिए, धर्म गुरु को लेकर के इस तरह की बयानबाजी, अब जाहिर सी बात है कि अगर वो हिंदू धर्म के धर्म गुरु है तो वो हिंदुत्व को लेकर ही बात करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शायद बाबा का समर्थन करने वाले भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किसकी है। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर को लेकर जितनी भी सेना बना लिया जाए सबका जवाब देने का हमारा संगठन DSS तैयार है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वैसे तो ये RSS के विरोध में बयान बनाया गया था, लेकिन अब ये हर उन लोगों को जवाब देगा जो हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई में मतभेद पैदा करने का काम करेंगे। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बाबा बागेश्वर को अपने हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को ये जान लेना चाहिए कि राम यात्रा निकालने वाले लाल कृष्णा आडवाणी का बिहार में क्या हाल हुआ था। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर बिहार में नफरत फैलाया तो जैसे आडवाणी जेल गए थे वैसे धीरेन्द्र शास्त्री भी जेल जाएंगे। इसके आगे चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा बागेश्वर ढोंगी, उनके पास कोई तिलिस्म का या चमत्कार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ऐसे लोगों का को सबक सिखा देगी। उन्होंने कहा कि यदि कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तेजस्वी यादव की सरकार उनको बकसने वाली तो नहीं है। इस तरह बिहार दौरे पर आ रहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में RJD खुलकर सामने आ गई है। पहले तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम ना होने देने का ऐलान किया था। उसके बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री की जगह जेल में। वहीं अब तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले मंत्री चंद्रशेखर ने चेतावनी दी है कि बाबा बागेश्वर का हश्र वैसा ही होगा जैसा लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ था। अब देखना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने पर किस तरह का उठापटक देखने को मिलता है। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात कीजिए। इजाजत, नमस्कार।